नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। कंगना रनौत झांसी की रानी की तरह बीते ढाई महीने से बॉलीवुड के खिलाफ लड़ रही। सोशल मीडिया पर बीते कई दिनों से कंगना रनौत बॉलीवुड ड्रग माफिया पर निशाना साध रही। कुछ दिनों पहले ही कंगना रनौत ने शिवसेना नेता संजय राउत पर निशाना साधते हुए मुंबई की तुलना पीओके से कर डाली थी, जिसके बाद महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारे में हड़कंप मच गया। इसके बाद से शिवसेना ने कंगना रनौत को धमकी देते हुए मुंबई वापस न आने की सलाह दी थी। इतना ही नहीं, शिवसेना के नेता संजय राउत ने कंगना रनौत को पीओके जाने की सलाह भी दे डाली। इसी बीच कंगना रनौत ने एक बार फिर से शिवसेना पर हमला बोलते हुए महाराष्ट्र को अपनी कर्मभूमि बताया। कुछ समय पहले ही कंगना रनौत ने ट्विटर के जरिए अपने विचार फैंस के साथ साझा किए। कंगना रनौत ने ट्वीट कर लिखा कि एक महान पिता की संतान होना ही आपकी एकमात्र उपलब्धि नहीं हो सकती। आप कौन होते हैं मुझे महाराष्ट्र प्रेम या नफरत का सर्टिफिकेट देने वाले? आपने कैसे निर्धारित कर लिया कि आप महाराष्ट्र को मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं और अब मुझे वहां आने का कोई हक नहीं? वही कंगना ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा कि मैं उन सभी लोगों की शुक्रगुजार हूं जिन्होंने महाराष्ट्र से होने के बाद भी मुझे सपोर्ट किया। इन लोगों को पता है कि मैं क्या चाहती हूं। मैं अपनी कर्मभूमि मुंबई से कितना प्यार करती हूं, मुझे इस बात का सर्टिफिकेट देने की कोई जरूरत नहीं। मैंने महाराष्ट्र को हमेशा यशोदा मैया की तरह माना है, जिसने मुझे गोद लेकर पाला है। मैं हाथ जोड़कर बस एक ही बात कहना चाहती हूँ, जय मुंबई, जय महाराष्ट्र। तो देखा आपने, कंगना ने सीधा सीधा संजय राउत से सवाल पूछ डाला कि वो कौन होते हैं मुझे महाराष्ट्र प्रेम या नफरत का सर्टिफिकेट देने वाले। इससे पहले कंगना ने संजय राउत पर जुबानी हमला करते हुए बोला था कि किसी के बाप में दम है तो मुझे मुंबई आने से रोक के दिखाए। बताते चले कि कंगना मुंबई की तुलना पीओके से करने के चलते कई बॉलीवुड स्टार्स के निशाने पर भी। कई स्टार्स ने कंगना का नाम लिए बिना ही उन पर जुबानी हमला किया। वैसे कंगना के इन ट्वीट्स पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।